बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप देख रहे हैं HPS न्यूज रिपोर्ट। भिरिया रोड, मोहम्मद याकूब मुगल। वैक्सीनेटर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध की जानब से सिर अस्पताल नौशहर फिरोज में गुलाम मुस्तफ़ा कलोड़ो, एजाज मेमून, नासिर खान ज़ादा, अब्दुलरहमान बमरो, आकिब हनीफ और दीगर की क्यादत में 28वें रोज़ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमाओं हाजी अशरफ कुरैशी, हिजबुल्लाह राजपन ने यकजहती तौर पर एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि हमारे एहतजाज को एक माह हो गया है, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और हमें नज़रअंदाज किया गया है। सिंध भर के लाखों मासूम बच्चे हिफाजती टीकों से महरूम हैं, लेकिन हुकूमत को इन पर रहम नहीं आता और न वैक्सीनेटर्स के मसाइल हल करती है। रहनुमाओं ने कहा कि अगर हमारे मसाइल हल न हुए तो वजीर आला सिंध की तरफ मार्च करेंगे, जिसके तमाम तर जिम्मेवारी हुकूमत सिंध और PDEPI पर आयद होगी। मजीद खबरों के लिए देखते रहें HPS न्यूज़।